चले भगवान अपन शरण में ला है। एक एक दो दिन पहले आ जाता वो। हाँ तब हमला शिवपुराण सुनना है भगवान के कथा तब कहाँ के नींद पड़ी। अब जो आ जाता तेरे डोकरी दाई जाते कहा तो रात के 2 बजे थे इतना जागा था। तब भगवान के भक्ति करबो तो जागबो। हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों आज अपन लोग आ पहुँचे हैं बालोद का कथा पंडाल। आज है दोस्तों 24 अगस्त और 24 अगस्त की रात्रि 11:30 बजे का नजारा हम आप सभी को दिखा रहे हैं। और ये है दोस्तों मेन पंडाल, यहाँ पे आप सभी देख लीजिए। तो इधर साइड देख सकते हैं मस्त माहौल बना हुआ है। जितने भी भक्तगण है वे सभी श्रद्धा भक्ति में डूबे हुए हैं दोस्तों। और अभी कथा के एक रात पहले ऐसा अद्भुत माहौल बना हुआ है। बालू कब ले पहुँचे आज? काल पहुँचे आज। कथा के एक एक दो दिन पहले आ जाता वो। हाँ तब हमला शिवपुराण सुनना है भगवान के कथा तब बनिया वो भाई। तो कथा तो कल ले चालू होना है ना, तब जगह रोके बराहन ना ऐसे। हर हर महादेव। कहाँ ले आया था? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ कहाँ ले पहुँचे? बालोद जिला से। हाँ तो कब ले पहुँचे हैं यहाँ? सवेरे 8:10 बजे सुबह के। ऐसे सुबह 10 बजे का। तो दाई यदि पानी गिरा थे पानी उन्हें यही तक कैसे करा वो? पानी नहीं गिरी चले भगवान अपन शरण में ला है। वो करी भोलेनाथ खुद अपन क्षमा करी। कब ले सुना था दाई कथा? कथा तो ऐसे तो बहुत दिन के सुना था लेकिन पहली बार पंडाल में आया। पहली बार आया है तो यहाँ के माहौल देख के कैसे लगा थे? रात्रि के आधा रात में देखा था कीर्तन भजन में नाचा थे। अब मन एक देर आरती भजन चल गए हमरो। तुम्हारो चल गए ऐसे? हाँ संध्या टाइम में संध्या आरती करे ना तब भजन गहन मंजीरा मंजीरा सब धर के मान लेती पंडाल में तुम्हें हवा लेती पानी उन्हीं आई तो कैसे करा? पानी गिरी तो बैठे रहो पानी को का कतना दिन रुक गए यहाँ? 5-6 दिन पूरा रुक गए। और कुछ आंधी आज तूफान है रुकना है मतलब? अच्छा चमत्कार हो तो करो कुछ का चमत्कार हो भाई? भगवान भोलेनाथ सहारा अति दिन के उम्र दे रिता का सहारा मांग दे। ठीक है के उम्र में। तो दोस्तों अभी जोर जोर से बारिश चालू हो चुकी है आधी रात में। कल से होना है कथा और यहाँ पे देख सकते हैं आधी आधी रात को हमारे माता लोग जग रहे हैं। मैं बता दोस्तों मिश्रा जी का जो कथा है उसमें ऐसी अद्भुत भक्ति देखने को मिलती है कि जो भक्तगण है वो दो दिन पहले यहाँ पे पहुँच जाते हैं और अपना जगह बना लेते हैं। तो दाई कौन गाँव ले आज? दाई धनेली ले। अच्छा कत्ता दिन ले सुना था कथा ला? नहीं वो नहीं बोला था। मिश्रा जी के जो कथा है कैसे साले सुना था? हम तभी पहले आए हैं ऐसे। हाँ। एक और पहली कोनो कथा नहीं गए टीवी में देखते। तो अभी रात के 1 बजे थे और रात को 1 बजे तक जागा था एकर बारे में? बाबा नींद नहीं पड़े क्या करबो? काबर नहीं पड़े थे नींद? काबर नहीं पड़े थे तुम जानो रम 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 बजा दो नाचा तो कूदा दो तक कहाँ के नींद पड़ी। अब जो आ जाता तेरे डोकरी दाई जाते कहा तो ऐसे। अच्छा एक बात बता यहाँ पहुँचे हंसते हैं तो यहाँ पहुँच के तुरा कैसे लगा थे? बने लगा थे राम के राम जगह मान तो बनने लगी। शिकायत वो क्या थोड़ा ना रात को इतना बजे मतलब सब ढुचुक ढुचुक नाचत गाते रात को 1-1 बजे था कोई शिकायत नहीं नहीं है भैया बंद कर। अच्छा एक बात बताते हैं तो है मिश्रा जी की जो कथा सुनता चुमा सबसे अच्छा का चीज लगते तुम्हें? राम के नाम तो है राम राम सत्य सभी के गाते। हाँ ले है मैं धमतरी ला हूँ। धमतरी ले? अच्छा तो कई दिन रुक गई हाला? 5 दिन। और अभी रात के 2 बजे थे इतना जागा था? तब भगवान के भक्ति करबो तो जागबो ऐसे सुते बार थोड़े अहन भाई तो नहीं सुता चाचा? 5 दिन ले नहीं सुता ऐसा। ठीक है हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आए जानती थे? गुंडरदी। गुंडरदी ये कति बहुत है वो? दुर्ग जिला में। अच्छा तो कई दिन रुके की बिचारी है? 5 रोज। पूरा 5 दिन
हमन तो परसों का हम परसों ले मतलब कथा के 3 दिन पहली है ना, तो इतना दिन पहली आए के उद्देश्य भगवान के कथा सुनथन त जगह नहीं मिले त जगह कराना है। अभी जगह मिल गए ऐसे खुशन तो मन कैसे लगा थे? एकदम गदगद लगा थे, गदगद लगा थे। अच्छा ये बता मिश्रा जी जो कथा बताते हो सबले अच्छा का चीज लगते? सब अच्छा लगते, पूरा कथा ही अच्छा लगती। अच्छा पूरा शरीर के परेशानी दूर हो जाते कथा सुन देते ऐसे। हाँ क्या साल ने सुना था? मैं तो सीहोर गे ना कर पहली सुना था। अच्छा तो मिश्रा जी जो उपाय बताते हैं ओला इस्तेमाल करे? अच्छा हाँ। मोर कान के साइड में ना गुलटी हो गई सो भी ठीक हो गए। मैं 12 महीना गोली खात रहा हूँ, अब गोली नहीं खाऊ, मैं एकदम मस्त हूँ ऐसे। तो कितना दिन ले रही से तुर समस्या? बहुत दिन हो गई, मैं बचपना झेलत रही हूँ, मैं बहुत परेशान रही। मतलब साक्षात चमत्कार है तुरबा एकदम ज्यादा ठीक है। और कहीं गया आज कथा सुने पा? हाँ कहाँ? रायपुर गए रही हूँ ऐसा है, गोड़िहारी है पूरा सार महादेव। तो अभी अभी 2 बजे थे रात के, उतना जागा था तो सब मनोरंजन सुना था ना, अपन मन भी थोड़ा बहुत मनोरंजन कर ले था ऐसे, तो अच्छा लगा थी। तो ये बता सुबह टाइम मतलब कितना बजे नहा हुआ जहाँ? मन 5 बजे नहा ले। 5 बजे मतलब 2 बजे थी जागा था, सुबह 5 बजे उठ के नहाना है। तो दोस्तों इस तरह से सुन सकते हैं ये अपार श्रद्धा भक्ति रात्रि के 2 बजे कथा पंडाल में। और अभी कथा की शुरुआत नहीं हुई है, कथा का शुभारंभ जो है कल से होना है और 1 दिन पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ऐसा अद्भुत माहौल बना हुआ है। जितने भी शिव भक्त हैं वे सभी खुश हैं और इस तरह से माहौल बना हुआ है। तो चलिए अभी मिलते हैं सीधा कल, कल बातचीत करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।